तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। हमारे सामने 2002 के मॉडल की गाड़ी आ चुकी है अभी आप। तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है 2013 का ये मॉडल है। अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें भाई लोग, टायर से तो हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का ये फ्रंट लुक वगैरह देख लें भाई लोग, फ्रंट से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो अभी आपको गाड़ी के पीछे से भी कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी का बैक लुक वगैरह देख लें भाई लोग, बैक से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो डोरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोर से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करूँ तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें, सीट से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, मीन्स के काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन है। और अभी आपको गाड़ी की आगे से भी कंडीशन दिखा देता हूँ। अगर हम गाड़ी के आगे के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये आगे के डोर वगैरह देख लें भाई लोग, आगे के डोर से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें, लाइक इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें, तो आप गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें, इंटीरियर डैशबोर्ड से भी हमें गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में देखने को मिल जाती है। सीट्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग गाड़ी की। तो अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन बाकी गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ। टायर तो दिखा दिया वैसे मैंने, खैर आप गाड़ी के टायर वगैरह भी देख लें, ईच एंड एवरीथिंग। अभी गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन वगैरह देख लें, अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देते हैं। अभी गाड़ी का इंजन रूम वगैरह देख लें भाई लोग, इंजन रूम की कंडीशन हमारे सामने कुछ इस तरह से है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम सही से दिखा दूँ। तो अभी ओनर से कॉन्टेक्ट करते हैं जी। तेरा मॉडल है, ठीक है, फुल जेन्युइन गाड़ी है ये, ठीक है, बिल्कुल ओके, एसी वगैरह ऑन है, बाकी गाड़ी की कंडीशन आप देख ही चुके हैं, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है, बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर है, माना ओनर है गाड़ी, फाइल बिल्कुल ओके, सीपीएलसी से क्लियर है। इसकी डिमांड कर रहे हैं हम लोग 11,90,000 रुपये देनी है ये, 11,50,000 रुपये फाइनल। फाइनल कितने तक छोड़ेंगे? 11,50,000 रुपये। 11,50,000 पेट्रोल चेंज दोनों पे, सिर्फ पेट्रोल पे? सिर्फ पेट्रोल पे। एक लीटर में कितना दे रही है ये सर? एक लीटर में 16-17 किलोमीटर दे रही है। ओनर कितने बताया आपने? ओनर फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक हो गया। इंजन अपना इसका? अपना इंजन है इसका, हर चीज में अपनी, ठीक हो। एसी वर्किंग में? एसी वर्किंग में। अपना नंबर और नाम वगैरह बताइएगा। शहबाज नाम है मेरा, नंबर 0300-0397-9924-924। लोकेशन कहाँ की भाई? थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीत वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने 2002 के मॉडल की गाड़ी आ चुकी है, अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह देख लें भाई लोग, फ्रंट से हमें गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, अब गाड़ी का ये साइड लुक वगैरह भी देख लें भाई लोग। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से भी कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, उससे पहले मैं आपको गाड़ी के पीछे से कंडीशन दिखा दूँ। अब गाड़ी की ये पीछे से कंडीशन वगैरह देख लें, अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देते हैं, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो डोरों की बात करूँ तो आप गाड़ी की ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोर से हमें गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करूँ तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें, सीट से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अभी आपको गाड़ी की आगे से कंडीशन दिखा देता हूँ, आगे से मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। तो आगे के डोरों की बात करूँ तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह देखना भाई लोग, आगे के डोर तो बिल्कुल हमें क्लियर दिखने को मिल जाते हैं। और अगर हम गाड़ी की आगे की सीटों की बात करूँ तो आप गाड़ी की आगे की सीट्स वगैरह देख लें, आगे की सीट्स हमें बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती है। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, अभी गाड़ी का इंजन वगैरह देख लें भाई लोग, इंजन रूम से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जी, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दिएगा, कौन सा मॉडल है? गाड़ी है 2002 मॉडल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स क्लियर है, सिविल सी भी क्लियर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी में किसी किस्म का काम आपको लगता हो? गाड़ी में कोई काम नहीं है, बस आगे बॉनेट पे जो रंग उड़ा हुआ है उसको टेप लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी पास तकरीबन 50% जीनियन है, ठीक है, और अंदर से पूरी जीनियन, ठीक हो गया। इंजन अपना है गाड़ी का? इंजन भी अपना है। ओनर कितने गाड़ी का आपने बताया? फर्स्ट ओनर गाड़ी, दो मॉडल है, फर्स्ट ओनर, ठीक है। डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं 4,35,000। 4,35,000 फाइनल कितने तक छोड़ देंगे? कमी पेशी हो जाएगी, हो जाएगी,
ठीक है, अपना नंबर और नाम वगैरह बताइएगा। मेरा नाम जायदुल्ला है, नंबर थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। नाम जायदुल्ला है, नंबर 0304977888779। लोकेशन कहाँ की गाड़ी की? लोकेशन मेडरेड साइड है। थैंक यू सो मच। हाँ भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।